हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राउत ब्लॉग की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप सही होंगे। तो दोस्तों आज हमारी यहाँ पर हमने जाना है पार्टी में रात को, तो अभी जा रहा हूँ मैं काम पे, इसमें सुबह जल्दी जाना, मुझे कहीं दूर जाना है। तो अभी बज चुके 7:30 बजने वाले, 10 मिनट रह गए और मैं नहा धो के हो चुका ब्रश, जहाँ से पानी हो गया और बाहर का मौसम भी ऐसा बना, कल तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, दिन में ही बिल्कुल अंधेरा छा गया था, जैसे कि रात हो गई होगी। अभी भी बाहर मौसम ऐसे ही बना हुआ है, तो लगता है बारिश हो सकती है। हरियाणा गुड़गांव की तरफ तो हुई थी बारिश, तो अभी इधर तो होली रंग मौसम बना पड़ा है। तो अभी मैं जल्दी निकल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी है, तो अभी मैं चलता हूँ। तो नाश्ता पानी हमारा हो चुका है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों ये है मेरा सामान, ये हमारी पेटी बांध रखी है और ये रेक है रखने के रखे, और बैग में भी सामान है। तो अब हम चल लेते हैं, बाहर का मौसम भी हल्का फुल्का धूप से लगने लगी लग रहा है, तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम पुस्तावाली रोड पर आ गए और यहाँ पर आ गए ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत अच्छा। सामान देखो कितना भरा पड़ा है, बैग मेरा ना दिक्कत कर रहा है कभी नीचे ऊपर, अब बड़ी मुश्किल हो रही चलाने में, क्योंकि पल्सर पर होता था उसमें टिक्की के सामान रख लेता था, बहुत अच्छे सामान के साथ। ये देखिए बाहर का मौसम भी सर तरफ हो रहा है, ठंडा ठंडा हरियाली हो रही है इधर की तरफ, खेतों की तरफ। ये है दोस्तों पुस्तावाली रोड। दोस्तों मंडी के अंदर आ चुके हैं, अरे देखिए कितना बुरा हाल है मंडी के अंदर। ये दोस्तों ये है सब्जी मंडी आज़ादपुर, विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। ये देखिए कितना कितने बुरा हाल हो रखा बाहर से। अब चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। ये देखिए आ चुका हूँ सर्विस सेंटर पे, और सर्विस सेंटर पे आया तो बाइक की ना छनछन छनछन आवाज़ कर रही है, जब से ले उसकी 2-3 दिन बाद छनछनाहट आवाज़ बहुत ही जा रही थी। दूसरी बार यहाँ पर दिखा दिया शोरूम, तो मैंने 3-4 बार दिखा दिया, अभी वो कह रहे सर्विस में, तो दिखा देता सर। बारिश हो रही थी बहुत तेज, अब कम हो गई है, देखो बहुत तेज बारिश में भीग गए थे इधर ही। ये देखिए मौसम कैसा बना अंदर अंदर और कपूरा। तो दोस्तों हम हो चुके रेडी, फटाफट तैयार हो गए, 5-10 मिनट के अंदर तैयार रेडी हो गए, सब तैयार हो गए। अब जा रहे हैं हम पार्टी में, रात के बज चुके 8:30। तो मैं बाल उल कटाने चला गया था और थोड़ा बाइक वाइक दिखाने चला गया था, तो कल मुझे बाइक सर्विस पे भी ले जानी है। तो दोस्तों निकलते हैं घर से। दोस्तों हम आ चुके हैं और बाइक हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है, दोनों बाइकें अपने यहाँ पर लग गई है। और दोस्तों अंदर चलते हैं एक बार और एक अंदर दिखाते हैं, लोग बैठे हुए हैं इस समय, तो वहाँ पर हैप्पी बर्थडे का बना रखा है वो, देखिए प्रोग्राम का। इधर खाने पीने की व्यवस्था चल रही है पूरी। तो देखिए यहाँ पर सलाद उलाद कटा हुआ है और खाने पीने की व्यवस्था है, हवाई वाले लगे पड़े यहाँ पर, और बारिश भी हुई थी आज। ये देखिए पौड़ी उड़ी यहाँ पर चली जाइए, और इसमें सब्जी सब्जी रखे हुए हैं इनमें पतीलों में, और हमारे प्रदीप भाई भैया आगे हमारे मटर पनीर बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए मटर पनीर, ये आपका प्रचार करेंगे। और इसमें क्या भाजी, छोले, इसमें छोले हिलाओ जरा एक बार, छोले की क्वालिटी दिखाओ, देखो ये देखिए छोले की क्वालिटी ये है। और उसमें क्या है, मिक्स वेज, और ये मिक्स वेज, ये देखिए ये मिक्स वेज बनी हुई है यहाँ पर, और ये देखिए भाई साहब वाह। और इधर इसमें रसगुल्ले, और दोस्तों रसगुल्ले, और उसमें रायता, और दोस्तों ये बनाया रायता, ये देखिए। और चावल किधर है, चावल, और दोस्तों ये है चावल। तो यहाँ पर पूरी तैयारी चल रखी है, तो अब 9 बजने वाले हैं, लगभग 5 मिनट रह गए 9 बजने में। तो दोस्तों यहाँ पर हैवी बर्थडे की चल रहा, केक को कटे जा रहा है यहाँ पर, देखिए सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पर, और हैवी बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। आप ठीक है,
पर केक केक बटा जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए प्यारा केक बना हुआ, ये देखिए आगे वो पास खाने पीने की तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर ये देखिए तो खाने पीने यहाँ पर लगा रसगुल्ले, रायता हो गया, मिक्स वेज सब्जी, पूरी, दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है, रात के बज चुके हैं 10:30 और अब घर के जाने की भी तैयारी है, काफी रात हो चुकी है, बच्चे लोग गए खा पी के घर। अरे ममता देखो अभी भी ठूस ठूस के खा रही है, इतना पेट भारी है इसका, अभी भी ठूस ठूस के खाई जा रही है। हाँ ममता ममता कम तो नहीं बढ़ते उन खानो तो दोस्तों आ चुके हैं घर पे और रात के बज चुके 11 और बाहर तो उमस हो रही है, बारिश भी हुई थी और उमस भी ज़्यादा हो रही थी। और इस वीडियो को करते हैं एंड और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। पहली बार अगर चैनल पर जुड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।